हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग नौजवान दोस्त, प्यारे बच्चे, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये महोत्सव 2 दिन का है और आज इसका समापन है। समापन किसी चीज का होता है तो पछा जाता है, तो स्वाभाविक है कि आज लोग नहीं होंगे, कल लोगों में उत्साह रहा होगा। तो प्रकाश चंद्रा जी ने कहा कि लेकिन ठीक है, चलिए अंत भला तो सब भला, हम लोग अंत ही करने के लिए आए हैं तो बढ़िया है। ओबरा ऐसी जगह पे बसा है जो दो नदियों, दो पवित्र नदियों के बीच स्थित है। एक तरफ पश्चिम में पुनपुन नदी है, वहीं पूरब में अदरी नदी है और ठीक बगल में इन दोनों नदियों का संगम भी है। वैसे ही कहा जाता है कि जहाँ किसी नदी का संगम होता है वो स्थान बड़ा पावन होता है, बड़ा पवित्र होता है। तो ओबरा की पवित्रता तो इसी से समझी जाएगी, जानी जाती है कि ये दो नदियों के बीच में बसा हुआ और संगम के बिल्कुल करीब निकट। ओबरा की और सारी विशेषताएं हैं। ओबरा का कालीन जहाँ एक जमाने में बड़ा प्रसिद्ध हुआ करता था, कालीन कहीं का हो लेकिन कहा जाता था कि ये ओबरा के खराटी का। आज यही के बहुत सारे कारीगर विस्थापित होकर भदोही गए हैं। मैं भदोही गया था पिछले चुनाव में, हमारी ड्यूटी थी पार्टी की तरफ से, तो बड़ा ओबरा का नाम वहाँ था और यहाँ के बहुत से कारीगर वहाँ गए हुए हैं। पहले तो वहाँ के बड़े बड़े कालीन निर्माता निर्यातक यहाँ के लोगों को कच्चा माल भेज दिया करते थे, दे दिया करते थे और यहाँ से अच्छी अच्छी कालीन बनके